हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ईद मिलाद बहुत नज़दीक है, फ्राइडे को ईद मिलाद मनाया जाएगा। साथों साथ एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि जुलूस की परमिशन दी है कि नहीं दी है। स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जुलूस की परमिशन नहीं दी हुई है, मगर एक गाड़ी जो है, एक ट्रक में 10 आदमी को अलाउड होगा, वो खिलाफत हाउस है, सिर्फ एक गाड़ी, यानी एकदम क्लियर कर दिया जुलूस अलाउड नहीं है। उसके बाद कई लोग ने वीडियो डाला जिन्होंने क्रेडिट किया था, जिन्होंने मीटिंग की थी कि भाई जुलूस की परमिशन मिल गई है, तो इतना ही परमिशन, जो जुलूस की परमिशन मिल गई है, जो अल्फाज सुन के पब्लिक ने जो है कई जगहों पर लोग अपनी गाड़ी जो है तैयार करना चालू कर दिए कि भाई जुलूस की परमिशन मिल चुकी है, और एक कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा हो गया। बात करते हैं ACP साहब से, डोंगरी डिवीजन JJ डिवीजन के हैं, अविनाश अधिकारी साहब से। सर, गवर्नमेंट गाइडलाइंस में आया है कि परमिशन नहीं दी गई है जुलूस। ये गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है वो वही मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ जी। COVID-19 पार्श्वभूमीवर ईद ए मिलाद, मिलादुल नबी हा धार्मिक सणांप्रमाणे आपल्या घरामध्ये म्हणून राहूनच साजरा करण्यात यावा। राज्य शासनातर्फे सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे ईद ए मिलाद, मिलादुल नबी मिरवणुकीला परवानगी देणार नाही। ईद ए मिलाद मिरवणुकीला परवानगी देता बात समजा आपण, परंतु प्रतीकात्मक स्वरूपामध्ये खिलाफत हाऊस मुंबई येथील मिरवणुकीला एक ट्रकसह 10 इसमास परवानगी देण्यात आलेली आहे। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि जैसे सभी रिलीजियस फंक्शन, जो भी अभी तक रिलीजियस फंक्शंस हो गए उसको कोई परमिशन, प्रोसेशन को परमिशन नहीं दी गई, ईद ए मिलाद उल नबी को भी परमिशन नहीं है। केवल एक प्रतिमा सिंबॉलिक करके एक ट्रक को 10 लोगों के साथ में खिलाफत हाउस से परमिशन दी गई है, इसके सिवा कोई ट्रक उसमें शामिल नहीं हो सकता नहीं हो गया। खिलाफत मुंबई या ठिकाणी शासन नियमांचे पालन करून 5 इसमांना धार्मिक प्रवचन करण्यात, क्यों खिलाफत हाउस में अगर कोई धार्मिक लेक्चर देना चाहता है तो वो 5 लोगों के लिए अलाउ किया, इस तरह से बाकी की भी है, लेकिन मेन जो प्रोसेशन का गाइडलाइंस है। सर, एक कन्फ्यूजन उसमें ये है, अगर आप पढ़ के क्लियर कर देंगे, वो जो पानी का जो था कि जो रास्ते में जो जुलूस का स्वागत करते हैं उसका क्या है? सभी लिए सदर मिरवणुकीच्या दरम्यान मिरवणुकीच्या स्वागतासाठी पंडाल बांधायचे असल्यास शासनाचे नियमानुसार संबंधित महानगरपालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमानुसार अर्ज करणे बंधनकारक राहील। सदर पंडालमध्ये एकावेळीस 5, मतलब ऐसा है कि लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन को आपको ॲप्लिकेशन करना पड़ेगा परमिशन के लिए, अगर पंडाल खड़ा करना है तो, और उसमें वो अगर परमिशन देते हैं तो उसके बाद भी बावजूद भी 5 लोगों के साथ एक टाइम में नहीं रह सकते वो पंडाल के अंदर। और ये जो बेसिकली ये सिंबॉलिक, ये जो प्रोसेशन है सिंबॉलिक है जी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों ये समझ जाए कि एक सिंबॉलिक प्रोसेशन में मेरे को नहीं लगता है कि ट्रक कहीं पे रुकने वाला है, तो पानी बांटने का और ये बांटने का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है। तो ये गाइडलाइंस तो यही है गवर्नमेंट का, तो यानी इसका मतलब है कि लोग अपनी जो है गाड़ी तैयार नहीं करें, जुलूस के हिसाब से निकलें, सिर्फ जो दूर से एक गाड़ी आएगी उसको देखें, उसका स्वागत वही करें, और वो देखने के लिए भी इकट्ठा ना जमा हो जाए, इकट्ठा जमा, क्योंकि 144 लागू है तो 5 लोगों को इकट्ठा आने को परमिशन नहीं है, तो वो भी अवॉइड करें। बहरहाल देखिए, ये गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव्स और ये पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये जनता की भलाई के लिए, ताकि उनको कोरोना का इन्फेक्शन ना हो जाए करके, तो कोरोना जनता ने अपने आप को समझना चाहिए कि इस साल जो है एक अनप्रेसिडेंटेड साल है, हर प्रोग्राम को कर्टेल किया हुआ है, हर प्रोसेशन को हमने नकार दिया है, तो ऐसे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कोविड का फैलाव नहीं हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको प्रशासन को जो भी ज़रूरत है वो मदद करनी चाहिए। दैट इज़ द सिंपल स्पिरिट ऑफ दिस ऑर्डर, बाकी कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लेरिफिकेशन।